टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, और पेशेंस सिर्फ मैदान में नहीं, पेशेंस सेलेक्ट होने के लिए भी दिखाना पड़ेगा। और इस लाइन के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल एक नाम है, और वो नाम है सरफराज खान। सरफराज खान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरफराज को हमने लगातार रणजी में परफॉर्म करते हुए देखा है, और एक आध सीजन की बात नहीं है, बैक टू बैक परफॉर्म करते हुए देखा है। और सरफराज को हमने अभी हाल ही में इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ सेंचुरी लगाते हुए देखा, सरफराज को हमने और लॉन्गर फॉर्मेट्स में खास करके, क्योंकि देखिए जब आप सिलेक्शन टेस्ट का कर रहे हैं तो आप लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ देखेंगे। ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन ये उतनी ऑब्वियस नहीं हो पा रही थी। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, जब अजिंक्य रहाणे पिछले साल T20 में, जब IPL में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां से उनकी एंट्री हो जाती है टेस्ट टीम। फिर उस टाइम पर काफी लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर आप अजिंक्य रहाणे को IPL की परफॉर्मेंस के बेसिस पर टेस्ट में लेकर आते हैं तो उसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये साफ है कि एक खिलाड़ी अगर IPL में परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, वो टेस्ट में आ सकता है, वो T20 में आ सकता है, और वो वनडे में भी आ सकता है। लेकिन अब और उस टाइम पर काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले थे, जैसे उसमें एक नाम सरफराज का फिर आता है, वो इसलिए क्योंकि सरफराज IPL में बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अब जो सरफराज के फैंस हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि सरफराज परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप सरफराज को एक तो नीचे भेजते थे, जाहिर सी बात है सरफराज, क्योंकि अगर आप IPL में आ रहे हैं और आप RCB ऐसी टीम से भी खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो आपको मौका थोड़ा नीचे ही मिलेगा। और काफ़ी बार हमने ये देखा था कि सरफराज को मौका मिला था कुछ 10-12 बॉल पहले और वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। वहाँ पर एक्सपेक्टेड ये था कि सरफराज आकर के 2-3 लंबे लंबे छक्के लगाएं और फिर उसके बाद टीम को एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आ जाएं, वो सरफराज नहीं कर पाए। तो ये बात सच है कि IPL में सरफराज जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, थोड़े फ्लॉप ज़रूर दिखे थे। तो लोग ये पूछने लगे कि क्या आपको टेस्ट क्रिकेट में आने के लिए भी IPL में परफॉर्म करना पड़ेगा? आप अगर एक लॉन्गर फॉर्मेट के खिलाड़ी हो तो आपको रणजी परफॉर्म करना है, आपको अपने लॉन्गर फॉर्मेट जहां पर, चाहे आप लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे हो या डोमेस्टिक कुछ भी आप खेल रहे हो, लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो तो आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे और आपकी प्रेफरेंस जो होगी वो लॉन्गर फॉर्मेट में होगी। लेकिन उस टाइम पर सरफराज को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जब सरफराज ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ परफॉर्म करा तो वो टीम में आ गए, और इसी तरह से देवदूत पड्डीकल भी टीम में आए, और अब ऐसा लग रहा है कि सरफराज की एंट्री टीम में हो जाएगी। सरफराज के साथ साथ एक नाम और है ध्रुव जुरेल, जिनकी एंट्री होती हुई दिख रही है क्योंकि KS भरत को मौका लगातार दिया गया। KS भरत की विकेट कीपिंग स्किल्स की तारीफ हमने जरूर सुनी लेकिन बल्लेबाजी की तारीफ बिल्कुल नहीं सुन पाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं एक हाफ सेंचुरी भी नहीं आई है उनकी तरफ से। तो बस सवाल यह है कि अगर KS भरत, जिनको लगातार मौका दिया गया और वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या ये अब हाई टाइम नहीं है कि आप ध्रुव जुरेल को एंट्री दो? और ध्रुव जुरेल के साथ साथ सरफराज खान, जो कि जाहिर सी बात है लॉन्गर फॉर्मेट हमने देखा है किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी उनकी सेंचुरी आई थी, तो आपने रजत पाटीदार को मौका दिया जो कि वेल डिजर्विंग थे, और अभी रजत पाटीदार को और मौके चाहिए, अभी रजत को और मौके चाहिए सो दैट वो और अच्छे से आकर परफॉर्म कर पाए। लेकिन जहां पर KL राहुल बाहर गए हैं वहां पर आप सरफराज खान को मौका दोगे या नहीं दोगे? जिसके चांसेस अब ये हैं, सोर्सेज ये कह रही हैं कि अब हो गया, अब वो पेशेंस जो था वो क्रॉस हो चुका है, वो पेशेंस जो था उसका टाइम आ गया है, अब रिवॉर्ड का टाइम है। अभी हमने देखा था कि उनको एक अवार्ड भी मिला था रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए, तो अब फाइनल टाइम ये है कि एक रिवॉर्ड तो रणजी का मिल चुका है, एक और बड़ा रिवॉर्ड जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में आने का, प्लेइंग 11 में आने का मिलेगा या नहीं मिलेगा ये खैर हमें मैच ही बताएगा, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सरफराज और ध्रुव जुरेल की एंट्री तय है। क्या आप भी इन दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मुझे अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।